मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी और इवन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। कई कई लोग तो नीचे कमेंट कर देते हैं, खुद तो बोल ले भाई इंग्लिश का एक प्रॉपर सेंटेंस, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए या जो सामने वाले को चाहिए, मेरी कंपनी को चाहिए, मैं उनको प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये भी आपको समझना है। साथ साथ कंप्यूटर्स के बेसिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है। अब वो जमाने गए जब हम लोग रेसिपी कागज़ पे लिखते थे। मेरे पास तो अभी भी यहाँ अगर आप बोलेंगे तो मैं ढेर सारा गट्ठा निकाल के दिखा दूंगा जो कि मैंने रेडी करी थी गूगल के टाइम पे, क्योंकि उस समय पहली बार मुझे सुपरवाइजरी पोस्ट मिली थी, ठीक है जी। तो वो बाद में हम लोगों ने कंप्यूटर पे वो सारी की सारी चीज़ें डाली, तो अब सब कुछ डिजिटल होने लगा है। तो हमको वो चीज़ें समझनी है। अगर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि जो भी अभी ये 20-22 हज़ार कमा रहा है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाया, तभी वो 20-22 हज़ार ही कमा रहा है। और जो बच्चे अभी अभी जल्दी हाल फिलहाल में ही CDP DCT बनेंगे या बनने वाले हैं, उनको भी ये समझना है कि भाई 2030 में क्या होगा। तो अभी से ही उनको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी जाके वो कोपअप कर पाएंगे, समय के साथ वो ग्रो कर पाएंगे। तो यही सारी की सारी चीज़ें मैं अपने प्रोग्राम में जो शेफ़ है मेरे उनको मैं सिखाने वाला हूँ। बाकी एक वीक के बाद, या आप बोल सकते हैं एक वीक के बाद, ये प्रोग्राम आपको रिकॉर्डेड वाला वो भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप आराम से बैठ के देख के सीख सकते हैं कि भाई क्या हमारे पास होना चाहिए एक CDP के लिए।